हेलो चिल्ड्रेन, मैं पल्लव पुस्तिका से पाठ 5 ईदगाह आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। उसका मतलब भी आप लोग को समझा चुकी हूँ, शब्दार्थ भी आप लोग को बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोग को पाठ पर आधारित मौखिक प्रश्नों के उत्तर मेल कीजिए, समझिए और लिखिए। वाक्य सही है या गलत, विलोम शब्द लिखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए बताऊंगी। ध्यान से आप लोग सुनिए, मौखिक उत्तर दीजिए। मिट्टी के खिलौने कौन बनाता है? कुम्हार। कौन बनाता है? कुम्हार। भिस्ती की मशक किस चीज की बनी होती है? चमड़े से। किसकी बनी होती है? चमड़े से। नंबर 2, भिस्ती की मशक किस चीज की बनी होती है? चमड़े की बनी होती है। 3, रसोई घर में प्रयोग होने वाली 5 चीजों के नाम बताइए। आप लोग को पता ही होगा रसोई घर में प्रयोग करने वाली चीज, जैसे कुकर हुआ, करछल हुआ, कढ़ाई हुआ, भगोना, तवा, चाकू, मिक्सर, गैस, चम्मच, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हम रसोई घर में प्रयोग करते हैं। ओके बेटा, हज करने कहाँ जाया जाता है? नेक्स्ट, हज करने कहाँ जाया जाता है? मक्का मदीना। कहाँ जाया जाता है? मक्का मदीना। ओके, मेल कीजिए। हैजे की भेंट चढ़ना, मर जाना, दिल कचोटना, दुखी होना, बेड़ा पार लगाना, संकट दूर करना, पर लगाना, तेजी से भागना, रंग जमाना, प्रभाव डालना, बाल बांका ना करना, कुछ ना बिगाड़ना, मिट्टी में मिलना, बर्बाद हो जाना। ओके बेटा, तो ध्यान से इसको देख लीजिए। समझिए और लिखिए। जिस तरह से भ्रातृ प्लस त्र बना है तव, भ्रातृत्व, उसी तरीके से मातृत्व, पितृत्व, गुरुत्व, व्यक्तित्व। नेक्स्ट, वाक्य सही है या गलत बताइए। रमजान के 15 रोज बाद ईद आई है, तो यह वाक्य गलत है क्योंकि 1 महीने बाद ईद आती है। ओके, हामिद के पास 15 पैसे थे, ये भी गलत है क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे थे। ओके, नूरे को वकील से प्रेम है, सही। नूरे के पंखा झलने पर सिपाही का माटी का चोला माटी में मिल गया, ये गलत है क्योंकि नूरे के पंखा झलने पर उसका वकील गिरा था, ना कि सिपाही का माटी का चोला गिरा था। ठीक है, हामिद ने चिमटा खरीदा, सही। ओके, नेक्स्ट, विलोम शब्द लिखिए। शीतल उष्ण, रंग वेरंग, प्रभात सायं, अभागिन सुभागिन, पसंद नापसंद। ओके, आप लोग ध्यान से देख लीजिए वीडियो। अब आप लोग को प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगी। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, हामिद के अब्बा कैसे मरे थे? आंसर, हामिद के अब्बा हैजे से मरे थे। हामिद के अब्बा हैजे से मरे थे। क्वेश्चन नंबर 2, ईदगाह जाते समय हामिद ने क्या पहन रखा था? आंसर, ईदगाह जाते समय हामिद ने एक पुरानी धुरानी टोपी पहन रखी थी। ईदगाह जाते समय हामिद ने एक पुरानी धुरानी टोपी पहन रखी थी। क्वेश्चन 3, अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था? आंसर, गांव के सब बच्चे अपने अपने अब्बा के साथ ईदगाह जा रहे थे, जबकि बेचारा हामिद अकेले जा रहा था, इसलिए अमीना का दिल कचोट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमाज खत्म होने पर लोगों ने क्या किया? आंसर, नमाज खत्म होने पर लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाइयां दी,
नमाज खत्म होने पर लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाइयां दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिठाइयों की दुकान से बच्चों ने कौन कौन सी मिठाइयां खरीदी? आंसर, मिठाइयों की दुकान से बच्चों ने रेवड़ी, गुलाब जामुन और सोहन हलवा खरीदा। मिठाइयों की दुकान से बच्चों ने रेवड़ी, गुलाब जामुन और सोहन हलवा खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना ने क्या किया? हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना ने क्या किया? आंसर, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना ने छाती पीट ली। उसने सोचा, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि कुछ दोपहर हुई, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना ने छाती पीट ली। उसने सोचा, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। ओके बेटा, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको अपनी, अगर आपके पास नई कॉपी आ गई है, आपने स्कूल से ले लिया है, तो आप अपनी नई कॉपी में लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर किसी पुरानी कॉपी में लिख के इसको लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।